साल 2023 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए मिला जुला रहा। टीम इंडिया ने क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में दमदार प्रदर्शन तो किया, पर आईसीसी ट्रॉफी का सूखा इस साल भी नहीं खत्म हो सका। साल 2024 में वेस्टइंडीज और अमेरिका की धरती पर T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है, जहां टीम इंडिया दमदार खेल जरूर दिखाना चाहेगी। सिर्फ विश्व कप ही नहीं बल्कि अगले साल रोहित की सेना के सामने कई बड़ी टीमों का चैलेंज होगा। आइए आपको विस्तार से बताते हैं साल 2024 में किन किन टीमों से होगा भारत की भिड़ंत। साल 2024 की शुरुआत भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ बचे हुए एक टेस्ट मैच से करेगी। इसके बाद तीन मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम भारत पहुंचेगी। सेंचुरियन में शर्मनाक हार झेलने के बाद रोहित की पलटन दूसरे टेस्ट को जीतकर साल का आगाज दमदार प्रदर्शन में जरूर करना चाहेगी। अफगानिस्तान के जाने के बाद इंग्लैंड की टीम भारत आएगी। इंग्लिश टीम से रोहित की सेना 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ेगी। पिछली बार इंग्लैंड ने जब भारत का दौरा किया था तो टीम इंडिया ने अंग्रेजों का बुरा हाल किया था। IPL के रोमांच के ठीक बाद जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका की धरती पर T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। भारतीय टीम इस साल विश्व कप को जीतकर ICC ट्रॉफी के 13 साल के सूखे को भी जरूर खत्म करना चाहेगी। T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी। श्रीलंका से टीम इंडिया की भिड़ंत पहले 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज में होगी। इसके बाद रोहित की सेना इतने ही मैचों की वनडे सीरीज भी मेजबान टीम से खेलेगी। श्रीलंका के बाद भारतीय टीम अपनी सरजमी पर बांग्लादेश से भिड़ेगी। टीम इंडिया बांग्लादेश से 2 टेस्ट और 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलेगी। इसके बाद न्यूजीलैंड भारत पहुंचेगी, जिसके खिलाफ भारत को 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। भारतीय टीम साल 2024 का अंत ऑस्ट्रेलिया के घर में टेस्ट सीरीज खेलकर करेगी। रोहित की पलटन कंगारू टीम से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में उन्हीं के घर में भिड़ेगी। आखिरी 2 दौरे पर भारतीय टीम का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में लाजवाब रहा है।